जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम SSB डे वन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए अपने चैनल पे एक फ्री SSB सीरीज़ लेके आऊँगा, तो ये उसकी पहली वीडियो है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ OIR टेस्ट, व्हाट इज़ PPDT, OIR टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, PPDT के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और SSB डे वन का क्या प्रोसीजर होता है। सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे वन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डे वन के दिन क्या होता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। सबसे पहले यू आर सपोज टू रिपोर्ट एट दी SSB सेंटर अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे 6 बजे आपको वहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ट्राई टू रीच अ डे बिफोर, जहाँ भी जैसे आपकी SSB इलाहाबाद है, तो अगर आप एक दिन पहले पहुँच जाते हो या कहीं भी SSB, तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। अदरवाइज आप प्लान ऐसा करो अपनी जर्नी को कि आप टाइम के हिसाब से पहुँच जा रहे हो, यू आर नॉट लेट। ठीक है, तो जनरली रिपोर्टिंग टाइम 6 AM होता है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होती है। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप प्लस टू एंट्री पे जा रहे हो, तो आपके लिए 10th 12th की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो खैर सारी एंट्रीज में चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन आप प्लस टू एंट्री पे जा रहे हो, तो आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कॉलेज की मार्कशीट भी होनी चाहिए, और अगर डिग्री अवेटेड है तो, अगर डिग्री अवेटेड नहीं है तो डिग्री भी होनी चाहिए। और जनरली सारे SSBs आपको मेल करके बता देते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से नहीं, तो आप उसको बहुत अच्छे से पहले ही एक फाइल में रख लें, ताकि वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मूविंग ऑन टू OIR टेस्ट। जो सबसे पहली चीज़ टेस्ट के नाम पे होगी SSB में, डे वन पे स्क्रीनिंग टेस्ट का पार्ट होता है, वो होता है OIR टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। ये टेस्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी का। हालांकि इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट इसमें आपको आधे घंटे मिलेंगे 50 क्वेश्चन करने के लिए, और 2 सेट मिलते हैं आपको, एक सेट और मिलेगा उसके लिए अगेन, मतलब इन टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो इन टोटल यू आर सपोज टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 30 से 40 सेकेंड्स का ही टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन, क्योंकि आपको आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, OIR टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है कि आप किसी भी बैंकिंग का मटेरियल उठा लो, रीजनिंग का, या फिर आप गूगल पे जाके बस सर्च करो OIR प्रैक्टिस फॉर SSB, तो आपको बहुत सारे PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ सोर्सेज हैं SSB क्रैक, और इन सब पे आपको फ्री PDFs मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू बेनिफिट ऑफ डूइंग वेल इन OIR टेस्ट। सिर्फ स्क्रीन इन होने के लिए सिर्फ 2 ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है OIR टेस्ट, एंड दूसरी होती है PPDT एंड नरेशन। तो जो PPDT में अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनके चांसेस ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं, बट OIR टेस्ट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बॉर्डर लाइन केस में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है OIR में, आपने PPDT में थोड़ा एवरेज भी परफॉर्म किया है, तब भी आप स्क्रीन इन होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। व्हेन कंपेयर टू समवन हु हैज नॉट डन वेल इन दी OIR टेस्ट, और उसने PPDT में ठीक ठीक किया है, तो अगर आप OIR टेस्ट में ज़्यादा अच्छा करते हो, तो आपका एडवांटेज होता है, यू आर हैविंग एन एज ओवर दी अदर्स। ठीक है, तो इसको हल्का बिल्कुल मत लें, क्योंकि फालतू में कोई आपके लिए इतना मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, ये टेस्ट हो रहा है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। SSB आने के 2-3 हफ्ते पहले से शुरू कर लो। स्पेशली कुछ क्वेश्चन होते हैं डाइस के क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते हैं, वो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, मिसिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन टू PPDT। PPDT का फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये DES होगा, देयर इज अ स्लाइट एरर इन दिस स्लाइड। ठीक है, तो पिक्चर परसेप्शन इज आप परसीव कैसे करते हो, आपको पिक्चर दिखा दे तो उसको आप किस तरीके से इनपुट्स लेते हो उससे। ठीक है, क्या रिएक्शन आता है, कैसे आप सिचुएशन से रिलेट करते हो, दैट इज परसेप्शन। तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट परसेप्शन, आगे की स्लाइड में जानेंगे इसके बारे में। तो ये डिसाइडर होता है फॉर स्टेज 2। इट कंप्राइजेज ऑफ स्टोरी राइटिंग, नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो PPDT टेस्ट में आप स्टोरी लिखते भी हो, फिर आपको उसको नरेट करना होता है less than a minute में। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इन सारी चीज़ों के बेस पे आप स्क्रीन इन होते हो। OIR टेस्ट, पिक्चर की आपने स्टोरी लिखी, स्टोरी राइटिंग, फिर उसको नरेट किया, और उसका ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्ट लिया, इन सब के बेस पे आपका एक रिजल्ट बनाया जाएगा। देन यू विल बी टोल्ड वेदर यू आर गोइंग टू स्टे और नॉट। सो व्हाट इज परसेप्शन? ऑब्जर्विंग दी स्टिमुलस, एनालाइजिंग दी स्टिमुलस। जो भी आपको पिक्चर दिखाई जाती है, उसको आप किस वे में रिलेट करते हो, खुद से, अपनी सराउंडिंग से, या किसी पास्ट एक्सपीरियंस से। ये बेस्ट वे होता है स्टोरी लिखने का, कोई भी पिक्चर आपको दिखाए, या तो आप ट्राई करो कि आप पर्सनली उससे कोई लिंक बना पाओ। अगर आप पर्सनली कोई लिंक नहीं ढूंढ पाते हो, तो आपको एक जनरल सिचुएशन के तरह सोचना चाहिए, उसको किसी भी मूवी से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है SSB पर। तो आप कुछ भी आलतू फालतू स्टोरीज लिखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितनी भी अच्छी लिख दो, कितना भी अच्छा नरेट कर दो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट स्क्रीन इन।
कनेक्ट द इनपुट विद योर माइंड, पुट ऑल योर थॉट्स ऑन द पेपर. देखो इसके लिए आपको टाइम 4 मिनट मिलते हैं, आपको 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, एग्जैक्टली 4 मिनट्स मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए. तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक बार मैंने पिक्चर देखी तो मैं उसको परसीव करके एक स्टोरी कंप्लीट कर लूँ अपने दिमाग में. जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है स्टोरी राइटिंग का, यू आर एबल टू राइट योर स्टोरी कम्प्लीटली. अगर आपने बीच के थॉट से, जैसे पिक्चर देखी कि बच्चे खेल रहे हैं, सपोज एक पिक्चर है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, मैंने सोच लिया कि कोई स्पोर्ट्स पे स्टोरी बना देता हूँ, और मैंने आगे नहीं सोचा उस थॉट को और मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो इस केस में क्या हुआ कि जब मैं स्टोरी आधी लिख रहा हूँ मेरे पास मल्टीपल थॉट्स फिर से आ जाएंगे और मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा कि मैं कौन सी एंडिंग दूँ स्टोरी को, किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही अपने दिमाग में पूरा फ्रेम कर लें स्टोरी, कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या होगा और आउटकम क्या होगा, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द आउटकम. इन 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको स्टोरी लिख, ठीक है. मूविंग ऑन टू हाउ टू परसीव. परसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अवेयरनेस डेवलप करें अपने अंदर. तो अगर आपको मैं 10 तरह की पिक्चर्स दिखा दूँ, उसमें से सपोज आप 5-6 से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो वैसे सिचुएशन में आपके एक्शंस क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, आप जो स्टोरी में लिखोगे वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, आपका इन्वायरमेंट कैसे फंक्शन करता है. जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे खुद के बारे में, जितना ज़्यादा जानोगे, जितना अपने सोसाइटी के बारे में जानोगे, अपनी सराउंडिंग के बारे में जानोगे, उतना ही अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे और उतनी प्रैक्टिकल स्टोरी लिख पाओगे, ठीक है. स्टोरी अच्छी और बुरी नहीं होती कोई भी स्टोरी के, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, मतलब मार्क्स तो ऑलरेडी मार्क्स तो मिलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि ये बेस्ट स्टोरी है, इससे अच्छी कोई स्टोरी नहीं हो सकती या ये वर्स्ट स्टोरी है, ऐसा नहीं होता. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ प्रैक्टिकल, हाउ जेन्युइन वन राइट्स अ स्टोरी. बेसिकली वो एक सिचुएशन में का एक SRT है, एक सिचुएशन में आप कैसे टेस्ट, एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो. तो जनरल अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. ये कुछ मिथ्स है, ठीक है, कि डेड बॉडी को इग्नोर कर दो और हमेशा पॉजिटिव स्टोरी लिखो. देखो पॉजिटिव स्टोरी और पॉजिटिव पॉजिटिव ये बहुत ज़्यादा ही सुना होगा आप लोगों ने, सबने सुना होगा. तो होता ये नहीं है कि आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, ठीक है. इसके दो पहलू होते हैं, मतलब एक तो पॉजिटिव स्टोरी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी सिचुएशन दी जाए उसका आउटकम पॉजिटिव लेके आना है आपको, ठीक है. आप फेल हो गए हो भाई तो आप वहाँ पे मेहनत करते हो और आप पास होते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, दैट इज़ पॉजिटिविटी. कोई रो रहा है तो उसके आंसू को निगलेक्ट करके ये बता दो कि ये ड्रामा चल रहा है और ये सब ठीक है, वो पॉजिटिविटी नहीं है. आप इग्नोर कर रहे हो सिचुएशन को, वो पॉजिटिविटी नहीं है. आप एक्सेप्ट कर रहे हो जिस चीज़ें जैसी दी गई हैं वैसे, और उसको एक पॉजिटिव वे में आउटकम में लेके आते हो, दैट इज़ पॉजिटिविटी. तो वो डेवलप करो. रोल ऑफ कम्युनिकेशन, आई जस्ट स्किप दिस स्लाइड बिकॉज ठीक है सबको पता है इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक मैं लिंक वीडियो का डाल दूंगा, आप प्लीज़ उस पर वर्क करना शुरू कर दें. ये एक ऐसी स्किल है जो आपको हमेशा काम आएगी, हर जगह काम आएगी, सिर्फ SSB में ही नहीं. तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल. एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो, हाउ वन कैन इम्प्रूव हिज इंग्लिश, ठीक है, बीट स्पीकिंग और बीट वोकैबुलरी. बहुत सारी वीडियोज मेरे चैनल पर डाली हूँ, सो प्लीज़ चेकआउट. ठीक है, अभी के लिए आई जस्ट शो यू वन पिक्चर, ठीक है. रोल ऑफ अवेयरनेस आई हैव डिस्कस्ड कि अगर आप अवेयर हैं तभी आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है. पहला पॉइंट ही वही है कि हेल्प्स टू रिलेट, हेल्प्स टू ऑब्जर्व. तो पिक्चर में क्या होता है, कई बार बहुत से ऐसे होते हैं स्टोरी कैंडिडेट्स जो स्टोरी ही नहीं लिख पाते बिकॉज वो सोच नहीं पाते, अवेयर नहीं है इतना, वो इतना नहीं जानते कि भाई ठीक है अगर एक रूरल है पिक्चर तो उस पर क्या क्या पॉसिबल थीम्स हो सकते हैं, अर्बन है तो क्या थीम्स हो सकते हैं, सोशल बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर है तो उस पर क्या थीम्स हो सकते हैं. तो जितना अगर आप अवेयर नहीं हो, नहीं पता आपको कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, लोग जो है अलग 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 सेक्शन के लोग जो हैं सोसाइटी में उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आप कैसे करोगे, नहीं लिख पाओगे. फिर आप वही गूगल पे जाके बेस्ट स्टोरी सर्च कर लोगे, रट लोगे, तो उसे काम नहीं होने वाला. यू नीड टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, ठीक है. तो ये एक पिक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको 30 सेकेंड्स के लिए आप अपनी स्क्रीन पॉज करो और इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि आपने इसमें क्या क्या देखा और कौन कौन से थीम्स बन सकते हैं. इस पे स्टोरी लिखनी हो तो आप क्या क्या सोचोगे, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है. इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और जस्ट पॉज योर स्क्रीन फॉर सम टाइम. सो आई होप आपने इसको पॉज करके अपने थॉट्स लिखे होंगे कहीं पे. मूविंग ऑन टू नाउ, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके एक इंसाइट देता हूँ कि आपको कैसे स्टोरी लिखनी चाहिए. देखो आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि देर इज अ लेडी, प्रोबेबली दी मदर ऑफ दिस चाइल्ड, ठीक है. एज वी कैन सी ऑन द स्टूल देर देर आर सम मेडिसिन आर केप्ट, एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, बॉटल रखी हुई है. सो पूरा दिख रहा है कि दैट लेडी इज इल,
तो वो इसकी मदर भी हो सकती है, मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है, डिपेंड्स आप कैसा रिलेशन परसीव करके बना रहे हो। और ये बच्चा जो है, ये इसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, ये स्कूल गोइंग बॉय दिख रहा है। तो एज ए स्कूल बॉय, अगर सपोज आप 8th 9th क्लास में हो और आपकी मदर बीमार है, इतनी सिंपल सी सिचुएशन है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? आपको बस वही लिखना है एक तरह से, दैट कैन बी वन थिंग, बट इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ भी आलतू फालतू नहीं सोच सकता कि ये बच्चा कुछ परमिशन लेने आया है, मतलब इस बच्चे से मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेंस कि ये सब कुछ कर रहा है, ये खाना बना रहा है और मम्मी की देखभाल कर रहा है, स्कूल जा रहा है, भाई वो भी स्कूल का ही बच्चा है। ऑल ही कैन डू इज कि वो अपना भी ख्याल रख रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि मम्मी मेरी दवा टाइम पे ले रही है, ठीक है, हेडेक हो रहा है तो सर दबा दिया, ठीक है, केयर कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, ये चीज़ें दिखाना, मम्मी के कपड़े धो रहा है, अपने कपड़े धो रहा है, घर में पोछा लगा रहा है, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डजेंट लुक्स प्रैक्टिकल कि भाई वो भी बच्चा ही है, तो वो अपने काम खुद कर ले रहा है और साथ ही साथ वो इंश्योर कर रहे हैं कि उसकी मदर जो है टाइम पे मेडिसिन ले रही है, टाइम पे खाना खा रही है, घर में और लोग भी होंगे, ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें आप खुद से सोच सकते हो कि घर में सिर्फ 2 लोग नहीं है उसका, दैट इज़ अप टू यू कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसे लिख रहे हो, बट दिस इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट अ पिक्चर। दिख रहा है कि कोई बीमार है तो उसको बीमार ही मानना है, दिख रहा है कि एक और कैरेक्टर है तो आपने रिलेट किया कि इस केस में आप क्या करते और आपने वो स्टोरी लिख दी, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप ये करते हो तो ये आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ही नेचुरल और प्रैक्टिकल आएगी, आपकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी, ठीक है। SSB की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, कोई कोचिंग ऐसी गारंटी नहीं ले सकता आपकी कि आप मेरे यहाँ आ जाओ मैं सेलेक्ट करा दूंगा, इट्स नॉट दैट, आपकी गारंटी आप खुद ले सकते हो। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस, योर जनरल अवेयरनेस, योर पर्सनैलिटी, आप सेलेक्ट हो जाओगे अगर आपको सही में एक जुनून है अपने अंदर, ठीक है। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो एंड आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड आई बी अपलोडिंग दीज वीडियोज इन अ सीरीज सो दैट यू ऑल कैन लर्न एंड गो फॉर SSB विद एटलीस्ट सम इनसाइट ऑफ इट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई प्रॉमिस यू कि भले देखो कोचिंग्स बहुत सारी हैं, आपको जहाँ जाना है जाओ, यू आर फ्री टू चूज योर थिंग्स, बट मैं आपके मैथ्स जरूर क्लियर कर दूंगा, जो भी आपको ऐसे डाउट्स होते हैं ना फालतू जो दिमाग में आते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं। सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर द सपोर्ट एंड आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद।